बट दिल टी शर्ट में छुपा है। हाय गाइस, आज के व्लॉग में हम लोग आपको बीच पे लेके चलते हैं, तो चलते हैं बीच पे, आइए आप हमारे साथ। हे गाइस, तो हम लोग चल रहे हैं, ओके चलते हैं बीच पर। गाइस, आज का व्लॉग बीच पे एंजॉयमेंट के लिए है। जो बीच लवर्स हैं उनको बहुत अच्छे अच्छे सीन्स देखने को मिलेंगे, तो बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ। ये ऑन द वे राइट साइड में डी मार्ट और बीएमएस होटल है, फेमस होटल है, नॉर्मली हम लोग यहाँ बहुत बार जाते हैं। एंड आपको चर्च दिखाई दे रहा होगा ऊपर पहाड़ी पे, ये भी हाईवे के ऊपर है। ये उडुपी हाईवे है जो आगे पनवेल तक जाता है। ये हम नदी क्रॉस कर रहे हैं ब्रिज के ऊपर। दोनों तरफ दो ब्रिज हैं, एक साइड में इनकमिंग एंड आउटगोइंग होता है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत ही। ये इंडस्ट्रियल एरिया है पूरा, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज यहाँ पे हैं। साइड में कोकोनट बेचते हुए लोग दिख रहे होंगे आपको, कोकोनट ट्रीज वगैरह सब लगे हुए हैं। ये जो लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है ये पोर्ट है मैंगलोर का। क्रॉस करने के बाद में इस हाईवे से हमें यहाँ पे टर्न लेना पड़ेगा, ये लेफ्ट में। ये पनंबूर के लिए बीच के लिए जाता है। अंबुजा सीमेंट का जो फैक्ट्री है उसके पास में टर्न होता है ये। उस टर्न से आगे जाके अराउंड 2-3 मिनट्स का डिस्टेंस है, वॉकिंग डिस्टेंस। ये हम लोग सामने जो दिखाई दे रहा है वो पनंबूर बीच का गेट दिखाई दे रहा है। हम लोग पहुंच गए हैं, गाड़ी में पार्किंग देख रहे हैं। ये टू व्हीलर का पार्किंग है और है। सामने जो गेट है ये पनंबूर बीच का गेट है। आज यहाँ पे म्यूजिक वगैरह का पूरा बंदोबस्त किया गया है। लेफ्ट साइड में पश्चिम गार्ड का गेट है जो पोर्ट के लिए यहाँ के गार्ड्स वगैरह सब उसके वगैरह बने हैं। दोनों तरफ बीच साइड में बहुत सारी दुकानें बनी हुई हैं जहां आप कुछ भी परचेज कर सकते हैं, स्विमिंग ड्रेस, कैप, हार्ट, टी शर्ट एंड बच्चों के लिए टॉयज की दुकानें भी हैं। राइट साइड में यहां बहुत सारे चाट स्टॉल्स हैं, तो फास्ट फूड वगैरह का इंजॉयमेंट किया जा सकता है, जूस वगैरह सब मिलता है यहां पे। सी साइड में इन चीज़ों का इंजॉयमेंट करना एक अलग ही अनुभूति होती है। अच्छा गैदरिंग है यहाँ पे आज। बहुत ही साफ सुथरा बीच है मैंगलोर का, यहाँ पे सभी तरह की व्यवस्थाएं हैं। और एंटरटेनमेंट के लिए भी सभी तरह के साधन हैं। अभी क्योंकि बारिश का टाइम चल रहा है तो रेनी सीजन में स्विमिंग के लिए नहीं जाने देते हैं, आगे पूरा बाउंड्री बना होता है, लोग उधर से बाउंड्री से ही इंजॉय करके आ जाते हैं। अदरवाइज स्विमिंग से रिलेटेड, बोटिंग से रिलेटेड बहुत सारे गेम्स यहाँ पे, गेम एक्टिविटी, सी साइड एक्टिविटी वो सब होता है।
एक्चुअली पनंबूर बीच वेस्ट कोस्ट इंडिया का गोल्डन सैंड है। यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर वाटर है एंड द एटमॉस्फेयर इज गुड। गाइस हम लोग पहुँच गए मैंगलोर के सबसे फेमस बीच पनंबूर बीच में। आप देख लो सीन, आज काफ़ी लोग हैं ना। कैदरिंग रहती है हमेशा, वीकेंड है ना। वीकेंड पे रहती है। हम आपको पास से दिखाते हैं। एक्चुअली दिस बीच इज इंगेज बाई डिफरेंट एक्टिविटीज, फैमिली फ्रेंड्स सोलो ट्रेवलर्स कम हेयर एंड इन्जॉय द स्पॉर्ट्स वाटर स्पॉर्ट्स एक्टिविटीज। बट अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ बाउंड्री किया हुआ है। लेफ्ट साइड में आपको उधर एक बड़ा सा बाउंड्री दिख रहा है पत्थर का। इसके लेफ्ट साइड में पोर्ट है, मैंगलोर पोर्ट। उधर डीप साइड शू होता है, बहुत ही गहरा होता है, इसलिए बीच में ये बाउंड्री की गई है। और राइट साइड में बीच है। तो पनंबूर बीच मैंगलोर पोर्ट के एकदम अटैच में है, इंटरनेशनल पोर्ट है। यहाँ पे बाहर से भी बड़े बड़े शिप्स यहाँ पे क्रूज वगैरह आते हैं। वाटर एक्टिविटीज़ में बहुत सारे बनाना बोट राइड एंड पैराग्लाइडिंग एंड जेट स्कीइंग आर आल्सो अवेलेबल। वी कैन सी कैमल ड्राइविंग आल्सो देयर, हॉर्स ड्राइविंग एंड कैमल ड्राइविंग। नॉर्मली दिस इज ओनली अवेलेबल टुडे। और बच्चे काइटिंग का मजा ले रहे हैं। नॉर्मली जनवरी में यहाँ काइट फेस्टिवल होता है, तो इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल होता है। तो बहुत ही अलग अलग तरह की काइट्स यहाँ देखने को मिलती है, उस समय अलग ही मजा होता है उस समय। बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। महिमा भी खूब इंजॉय कर रही है, ये देखिए हॉर्स राइडिंग और कैमल राइडिंग करते हुए। एक्चुअली दिस इज अ वेरी पीस प्लेस। ऑल्सो यू कैन मेडिटेट हियर लिसनिंग द स्मूथ साउंड ऑफ द वेव्स। ये आपने बाइक देखा, ये लोग चेक करते रहते हैं क्योंकि रेनी सीजन में आगे जाना डेंजरस होता है। तो मैंगलोर में बहुत सारे बीच है। नियर बाई तनरबावी बीच है, पास में उडुपी में सेंट मैरीज आइलैंड है और सोमेश्वर बीच है। हमारा पिछला ब्लॉग आप देखिएगा सोमेश्वर बीच का, वो मैंगलोर से 17 किलोमीटर था। मैंगलोर बीच साइड एंजॉय करने के लिए साफ सुथरे बीच है, एकदम बहुत अच्छी जगह है। गाइस कभी मौका मिले तो मैंगलोर जरूर विजिट करें। गोवा से भी साफ सुथरे बीच आपको यहाँ मिलेंगे। ये लेफ्ट साइड में आपको बहुत सारी शॉप दिखाई दे रही है। यहाँ पे खाने की चीज़ों का मज़ा लिया जा सकता है। नॉर्मली फास्ट फूड चाट आइटम्स सी फूड्स एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर। हम लोग भी कुछ एक्सप्लोर करने जा रहे हैं गोला फलूदा। महिमा की डिमांड है, देखते हैं क्या मिलता है। मैंगो
फाइनली आइस गोला बनवा रहे हैं। काला कट्टा हमने पसंद किया है। निशांत को भी बहुत अच्छा लगता है लेकिन आज वो आया नहीं है। निशांत को मिस कर रहे हैं हम लोग। Now it's ready to eat. Wow, मजा आ गया। अब महिमा की बारी है। Again, जोरदार सिप। मस्त है। बच्चे यार इसीलिए खाते हैं इसको। निशांत को शाम के समय लोग सनसेट देखने आते हैं। आज मौसम थोड़ा क्लाउडी है इसलिए सनसेट दिखाई नहीं दे रहा है। मे भी अभी आगे मौसम खुलेगा के बाद में हम नेक्स्ट बीच पे एक्सप्लोर करने जाएंगे। टर्न बैक। ये आज का ब्लॉग लंबा हो गया है तो इसको हम स्किप करके नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाएंगे। बाद में NIT के सूरतकल बीच है। ये सेल्फी लेना भूल गए तो सेल्फी सेशन। पिक्चर फिलिंग किया हमने। आप बनवाओ। हैं? आपको डर लगता है? डर की कोई बात नहीं। आप मेरा नाम लिखवा लो। नाम तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। खोल के देखो। नहीं, सबके सामने नहीं। दिल की सेट में छुपा है। ये एग्जिट गेट है। हम लोग रिटर्न हो रहे हैं अभी और यहाँ से नेक्स्ट बीच को एक्सप्लोर करने जाएंगे। पार्किंग की तरफ जाते हुए सो गाइज प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। See you again, guys.